आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस ब्यूटी. ज्यादा ना ऐसे सिंपल और क्लासी से लुक दे रहे हैं. अगर बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, क्वालिटी तो टॉप नॉच है. हेलो माय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी ड्रीमलैंड. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल देख के आप लोग ऑलरेडी समझ गए हो कि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग एंड ब्रांडेड स्लिंग बैग्स. सो जैसा कि अगर आपने मेरी लास्ट बैग्स की वीडियो देखी है ना, इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं पार्ट टू लेके आ रही हूँ जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग स्लिंग बैग्स. एंड ट्रस्ट मी, इतने ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं. सबकी जो क्वालिटी है ना, इट्स अमेजिंग. सो मिंत्रा की एंड ऑफ सीजन सेल स्टार्ट हो चुकी है एंड आज है 1 जून और ये सेल चलने वाली है 10th of June तक. सो इस सेल में ना आपको सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर बहुत ही अमेजिंग सेल मिलने वाली है. इस सेल में आपको मिलेगा 50-90% डिस्काउंट. और ये जो सेल है ना, ये ईयर में एक बार लगती है, सबसे जबरदस्त सेल लगती है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अमेजिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर अमेजिंग सेल मिल जाती है. एंड इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाय आई एम साक्षी. I make videos on fashion, makeup, skin care, home decor and much more. So without any further ado, let's jump into the video. Alright, दोस्तों तो start करते हैं हमारा आज का haul. And इस बार मैंने सोचा कि यार tote bags, office bags की तो काफी ज्यादा video मैं बनाती हूँ, कुछ इस बार ना sling bags भी लेके आऊँ. And सारे जो bags है ना मुझे already receive हो गए हैं और इसके अंदर 3 हैं, बाकी यहाँ पे कुछ एक दो यहाँ पे भी हैं. सबको लाइन वाइज दिखाती रहूंगी, 1 by 1 चलेंगे एंड रेंडमली जो मेरे हाथ में आएगा वही दिखाऊंगी. ओके दोस्तों, सो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बैग के साथ. तो यहाँ पे जो बैग मेरे हाथ में आया है वो है फास्ट ट्रैक का. एंड इस बार ना मैंने कलर थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर किया है. सो मैं आपको पहले बैग का कलर दिखा देती हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटिफुल कलर. थोड़ा सा कैमरा मैंने आपको ब्राइट दिख रहा होगा ड्यू टू रिंग लाइट, बट यहाँ पे जो इसका कलर है ना, दैट इज चेरी. मतलब वो चेरी जो कलर होता है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है. एंड एज यू कैन क्लियरली सी कि फास्ट ट्रैक की बैग्स की क्वालिटी तो काफी ज्यादा सुंदर होती ही होती है. काफी ज्यादा ना ऐसे शीक सा बैग है, बहुत ज्यादा क्लासी लगने वाला है. इफ यू आर समवन जिनको इस तरह के स्ट्रैप्स पसंद है तो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए. तो कुछ इस तरह से मेरे शोल्डर पे भी आ गया, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे शोल्डर पे आ जाएगा. ओके सो अब बात करते हैं इसके इनसाइड की. तो इनसाइड से कुछ इस तरह से मिल जाएगा. अंदर भी इसका ना काफी अच्छा खासा स्पेस है. एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि जिप के साथ ना अंदर भी आपको यहाँ पे एक छोटू सी कंपार्टमेंट मिल जाएगी और साथ में इतनी बड़ी कंपार्टमेंट मिल रही है विद एक और छोटी जिप आपको मिल जाएगी. दिस इज़ द बेस्ट थिंग. मतलब फास्ट ट्रैक के बैग्स के बारे में ना मुझे यही अच्छी लगती है कि अंदर भी इनका काफ़ी अच्छा स्पेस वगैरह इन्होंने दिया होता है. सो इसके अंदर आप आराम से अपनी बहुत सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो. अगर आपको काफ़ी बड़ा बैग नहीं लेना है तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर यू. ओके जी, सो बढ़ते हैं दूसरे बैग की तरफ. एंड ये वाला बैग भी अगेन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल कलर का है और फिर से मुझे लगता है ये है सेम ब्रांड का. येस, दिस इज़ फ्रॉम फास्ट ट्रैक ओनली. फास्ट ट्रैक के बैग्स की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एंड बेस्ट पार्ट इज़ की बहुत ज़्यादा ना बजट फ्रेंडली भी होती है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटिफुल ब्राउन कलर का बैग. एंड कुछ इस तरह का बैग भी ना आपके वार्डरोब में होना इज़ इम्पॉर्टेंट. ब्लैक ब्राउन तो होना ही चाहिए, बेज कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. सो मैंने ना सारे कलर्स को ध्यान में रखते हुए ये हॉल क्रिएट किया है. सो ये ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा बैग लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे क्लासी सी वाइब दे रहा है. प्लस अगर बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, क्वालिटी तो टॉप नॉच है. मतलब पहले वाले की भी एंड इसकी भी क्वालिटी इज़ अमेजिंग. एंड जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से इसमें डिटेलिंग दी गई है. फ्रंट भी इसमें कुछ इस तरह से आपको बंद बटन टाइप मिल जाएगा. फ्रंट में ब्रांडिंग एंड बैक साइड से कुछ इस तरह से मिल जाएगा. साथ में मिल जाएगी इस तरह की स्ट्रैप, सो दैट अगर आप ऐसे करके भी इसको हैंग करना चाहते हो, मतलब पकड़ना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. प्लस साथ में ना आपको स्लिंग भी मिल जाएगी. सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसका इनसाइड मिलेगा एंड साथ में आपको मिल जाएगी एक स्लिंग जो आप यहां से अटैच कर सकते हो. अगर बात करते हैं इसके इनसाइड की तो इसका भी इनसाइड ना अच्छा खासा है. मतलब काफ़ी सामान इसमें भी कैरी आपका हो जाएगा और साथ में एक छोटू सी पॉकेट दी गई है. सो अंदर से ना ये कुछ इस तरह से लगने वाला है. तो मुझे ये भी बैग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड आई एम जस्ट लविंग इट. मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा एंड अगर आपको ये पसंद आ रहा है ना तो डेफिनेटली ग्रैब इट. इस सेल में तो बहुत ही अच्छी इसके ऊपर सेल लगने वाली है. सो
जरूर एक बार चेक करना। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू अनदर बैग। और ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने ना सारे बेसिक कलर ही ऑर्डर किए हैं, क्योंकि सारे कलर्स ना अच्छे लगते हैं और इस तरह के वार्डरोब में कलर्स होना ज़रूरी है। सो ये वाला जो मैंने ऑर्डर किया ना, ये है ब्रांड फ्रेंच कनेक्शन करके। एंड इसके ना मैंने बहुत सारे बैग्स देखे थे, काफ़ी ज़्यादा ना ऐसी कोरियन सी वाइब्स देते हैं, तो मैंने सोचा कि यार एक बार मंगा के देख लिया जाए। प्लस दिखा देती हूँ पहले आपको, फिर बात करते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटी, मतलब कितना ज़्यादा प्रिटी कलर है। बेज इसका कलर है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल इसका कलर है। मैं बता नहीं पाऊँगी वर्ड्स में कि किस तरह से ये कलर लगने वाला है। साथ में आप देख सकते हो इसके आपको स्ट्रैप मिल जाएगी। अभी मैंने ओपन नहीं करी थी, तो मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ इसकी स्ट्रैप्स। सी, कुछ इस तरह से इतनी लॉन्ग आपको इसके साथ बेल्ट मिलने वाली है। एडजस्टेबल है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एंड कुछ इस तरह से लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे ना बेसिक सा बैग है, और मतलब काफ़ी ना ऐसे सिंपल एंड क्लासी वाइब दे रहा है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मतलब कितना ज़्यादा प्रीमियम बैग ये लग रहा है, लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। बहुत ऐसे ना लग्जूरियस सी वाइब दी है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम सी वाइब इसके साथ दी है। अब जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको डबल सिक्योरिटी मिल रही है। सो यहाँ पे हमें ना जिप भी मिल रही है, सो ये बेस्ट चीज़ है। अब इसके इनसाइड की भी बात करते हैं। इसका भी जो इनसाइड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सी, कुछ इस तरह से आपको इनसाइड मिल जाएगी, अंदर भी छोटी सी जिप मिल जाएगी, एंड यहाँ पे एक छोटा सा और कंपार्टमेंट मिल जाएगा। आई एम जस्ट लविंग दिस बैग, मतलब इतने से बैग के अंदर इन्होंने इतनी सारी चीज़ें आपको दी हैं। ओके जी, सो अब आ जाते हैं दूसरे बैग की तरफ। एंड ये वाला जो ब्लैक है ना, ये वाला जो बैग है ना, ये मैंने ऑर्डर किया है ब्लैक कलर का, बिकॉज ब्लैक इज मस्ट। ब्लैक हम ऑर्डर ना करें ऐसा हो नहीं सकता। सो ये है ब्रांड स्टाइली करके ब्रांड है, एंड इसके बहुत सारे बैग्स मैंने देखे थे इंस्टाग्राम पर भी, इसकी काफ़ी प्रमोशन हो रही थी। सो मैंने वहाँ पे देखा था ये बैग, एंड ये वाला बैग भी काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहा है। एज यू कैन क्लियरली सी कितना ज़्यादा इसके ऊपर ब्यूटीफुल सा एक पैटर्न बना है ब्रिक वाला, जो इसको बहुत ज़्यादा ना ऐसे सिंपल और क्लासी से लुक दे रहे हैं। ब्लैक कलर है, तो ब्लैक सबके साथ बहुत ज़्यादा प्रिटी भी लगता है। साइड में आपको ना स्ट्रैप्स मिल जाएंगी। एंड चलो जी, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इनसाइड मिलेगा, अंदर जिप नहीं मिलेगी, एक आपको स्लिंग मिल जाएगा। एंड मुझे ना इसकी जो स्लिंग की क्वालिटी है ना, वो इतनी ज़्यादा खास नहीं लग रही अकॉर्डिंग टू द प्राइस। ये मुझे मिला है अराउंड 700 to 800 रुपीज़, तो उसके हिसाब से स्लिंग मुझे हल्का सा लग रहा है, बट बैग कुछ इस तरह से लगेगा। अंदर से प्लेन है, देर इज़ नो जिप, और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा इसमें दिया नहीं गया। बट देखने में अगर आप इसको बाहर से देखते हो ना, तो बाहर से लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। प्लस दिस इज़ वेरी लाइट वेट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, कुछ इस तरह से लगता है। एंड अच्छा लग रहा है, छोटू सा क्लच सा भी आप इसको बना सकते हो, पार्टीज वगैरह में जा रहे हो, सो यू कैन कैरी लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे कैरी कर लोगे तो अच्छा लगने वाला है। सो कुछ इस तरह से ये बैग लगता है दोस्तों। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही अमेजिंग बैग्स आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये है मेरे फेवरेट ब्रांड की, तो काफ़ी अच्छे बैग्स मैं इस बार लेके आई हूँ स्लिंग बैग्स। लेट्स जस्ट ओपन अनदर वन। ओ माई गॉड, दिस बैग हैज़ माई हार्ट। मैंने इतना ज़्यादा स्टाइलिश और इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी वाला बैग अभी तक तो नहीं देखा। प्राइस इसका बता देती हूँ, इसका पैकेट की भारी प्राइस लिखा है 1120 रुपीज़, 1129 रुपीज़, मतलब 1130 रुपये का मुझे ये बैग मिला है। एंड आई एम शॉक्ड, इतनी ब्यूटीफुल इसकी क्वालिटी है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल में आप बिल्कुल भी मिस मत करना ये डील। ऑल राइट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटिफुल बैग। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स जस्ट अप्रिशिएट इसकी ब्यूटी, इसका कलर, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। कैमरा में ना आपको येल्लो दिख रहा होगा, बट इट इज़ नॉट येल्लो, ये ना कैमल कलर है, टैन कलर जिसको बोल रहे थे, टैन से थोड़ा सा लाइट जो कैमल कलर होता है, एग्जैक्टली ये वो कलर है। एंड दिस इज लुकिंग, ओ माई गॉड, मतलब मेसमराइजिंग। जैसे ही मैं इसको देखा ना, तो मैं मेसमराइज हो गई। एंड ये है ब्रांड बाय क्लियो, क्लियो करके ब्रांड है, यहाँ पे फ्रंट में ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड यू नो व्हाट, कितने एंड द बेस्ट पार्ट इज, मुझे ना इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ऐसे लग्जूरियस सी इन्होंने ना पैकिंग कर रखी है। सो यहाँ से आप इसको ओपन करोगे, एंड कुछ इस तरह से आपको इसका इनसाइड मिलेगा, ठीक है। साथ में ना आपको इसके स्लिंग मिल जाएगा, तो ये स्लिंग जो है ये एडजस्टेबल नहीं है, बट ये आपके शोल्डर में आराम से कैरी हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सी, कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे स्लीक सा बैग है, लंबा है बट बहुत ज़्यादा पतला है, बट बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, ट्रस्ट मी।
ठीक है, जब ओपन करते हैं तो आपको इनसाइड कुछ इस तरह से दिखने वाला है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर प्रीमियम क्वालिटी लग रही है मुझे इसकी। एंड अंदर जिप मिल जाएगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट मिल जाएगी। और बहुत ही ज्यादा ना लिटरली काफी जैसे लग्जरी बैग की वाइब दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा पसंद आया मुझे, तो कुछ इस तरह से लगता है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस ब्यूटी, मतलब मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे इसकी तारीफ करते करते। ऑलराइट, सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अगेन मेरी फेवरेट ब्रांड का बैग, स्लिंग बैग। और जब मैं ये बैग ऑर्डर करी थी ना, तो मैं श्योर थी कि इसकी क्वालिटी ना अच्छी ही आने वाली है, एंड सच में वैसा ही हुआ। मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुई क्वालिटी के साथ। सो दिस इज़ माई फेवरेट ब्रांड, मिराजू आजकल फेवरेट हो चुका है। सो कुछ इस तरह से पैकेजिंग ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी देते हैं, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वन ऑफ माई फेवरेट बैग्स, एंड आई एम श्योर आप इसको देख के ना मेरी तरफ पगलाने वाले हो। सो कुछ इस तरह से ये मुझे बैग रिसीव हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी, टॉप नॉच। मतलब मिराजियो के ना मैंने और भी एक दो बैग्स ऑर्डर किए थे हॉल बनाने के लिए, और तब तो मुझे खैर इनकी क्वालिटी पसंद आई गई थी, बट जैसे ही मुझे एक और ये स्लिंग बैग रिसीव हुआ ना, मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया इस ब्रांड के ऊपर कि मैं क्या ही बोलूँ। इसके साथ ना आपको इस तरह से बेल्ट मिलेगी, मतलब चेन वाली बेल्ट मिल जाएगी। एंड ये ना जो चेन भी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्राइट सा गोल्डन कलर नहीं है, बहुत ऐसा बेसिक सा गोल्डन कलर है। फ्रंट जैसा कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड टू बी ऑनेस्ट वैसे इसकी क्या, सारे ही बैग्स की बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। सो कुछ इस तरह से ये ब्यूटीफुल सा बैग लग रहा है। अब बात करते हैं इसके भी इनसाइड की, तो मैं इनसाइड भी दिखा देती हूँ। इसका भी इनसाइड ऐसे अंदर से तो बेसिक आपको मिलेगा, बट काफ़ी सामान रख सकते हो इसके साथ। अगर आप किसी पार्टीज वगैरह में जा रहे हो, कोई ड्रेसेस पहन रहे हो, तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। सो कुछ इस तरह से ये ब्यूटीफुल सा बैग लग रहा है, एंड इसके अंदर ना बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, वो भी मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स। अगर आपको कोई अदर कलर लेना है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज ब्लैक लेना है तो ब्लैक कुछ इस तरह से लगने वाला है बैक साइड से, एंड दिस इज फ्रंट। और इसका जो प्राइस है वो मुझे मिला है 1250 समथिंग। ओके जी, सो मुझे ना काफ़ी टाइम से एक वॉलेट भी चाहिए था, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ दी परफेक्ट टाइम कि वॉलेट को ऑर्डर कर लिया जाए। और जैसा कि आपको पता है कि मिंत्रा सेल चल रही है, तो कौन नहीं इस सेल का फायदा उठाएगा। सो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया ये ब्यूटीफुल सा वॉलेट, और इस वॉलेट के ऊपर मेरी काफ़ी टाइम से नज़र थी, एंड फाइनली आई गॉट इट। सो कुछ इस तरह से ये ब्यूटीफुल सा ना आपको वॉलेट मिल जाएगा। वीडियो में ना पिक्चर में ना इसका कलर आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्राइट सा रेड दिखेगा, बट एक्चुअल में कुछ इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क चेरी कलर मिल जाएगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और हाई डिज़ाइन के जो बैग्स होते हैं ना वो लेदर के बने होते हैं और काफ़ी सालों चलते हैं, तो मैंने सोचा कि एक अच्छे से वॉलेट के अंदर तो इन्वेस्ट ज़रूर किया जाए। बैक साइड से कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे हाई डिज़ाइन का प्रिंटिंग हो रखी है, फ्रंट कुछ ऐसा मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ओपन करते हो, देन यहाँ पे आपको जिप मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे स्लीक सा है, छोटा सा है, आराम से हैंडी सा है, ये अच्छे से आ जाएगा आपके हाथ में। एंड कुछ इस तरह से आपको अंदर से मिल जाएगा, बहुत सारे यहाँ पे कार्ड वगैरह आप रख सकते हो, यहाँ पे कैश रख सकते हो, क्योंकि वॉलेट में खाली नहीं रखना चाहती थी इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें कैश रख लिया है। और यहाँ पे भी आपको कैश रखने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है। अगर आप हाई डिज़ाइन के बारे में जानते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हाई डिज़ाइन के जो बैग्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज़ वो लेदर से बने होते हैं इसलिए। सो ये मुझे अराउंड 2000 समथिंग का मिला है, बट जैसा कि मिंत्रा सेल इज़ गोइंग ऑन, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सस्ते में मिलने वाला है। ऑलराइट, सो अब ना ये जो बैग दिखाने वाली हूँ ना, ये लास्ट बैग है, काफ़ी ज़्यादा रैंडम है, इस वीडियो में मैं इसको नहीं दिखाना चाहती थी, बट ये मुझे अभी अभी रिसीव हुआ है तो मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ। वैसे ही मैंने लास्ट जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है टोट बैग्स की, उसके लिए ऑर्डर किया था, तब मिला नहीं, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं इस वीडियो में दिखा देती हूँ, अगर आपको पसंद आया इनकेस तो यू कैन बाय इट। सो अब मैं दिखाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग ह्यूज बैग, जिसके अंदर सामान तो क्या आप खुद भी फिट हो सकते हो। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ह्यूज सा टोट बैग है, ब्रांड है मैंगो, लिमिटेड ब्रांड्स है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये वाला जो बैग है ना ये काफ़ी टाइम से मेरे विशलिस्ट में था, एंड आई वाज वेटिंग कि कब ये सस्ता हो जाएगा। ये अराउंड 5000 समथिंग का था, बट अभी सेल पे ये 3000 का मुझे मिल गया। सो मैंने सोचा कि एक बार इसको मंगा के देख लिया जाए कि वर्थ द मनी है या नहीं है। सो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। अगर आप टोट
बैग लवर हो जिनको काफी ज्यादा ऐसे बड़े बैग्स पसंद है, स्पेशली ये उनके लिए है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो। सो कुछ इस तरह से लगता है, काफी ज्यादा ऐसे क्लासी सी वाइब दे रहा है। एंड यार मैंगो का बैग है तो क्लासी वाइब तो देगा ही। फ्रंट में ना आपको ऐसे टाई करने के लिए मिल जाएगा एंड इसका जो इनसाइड है ना बहुत ही ह्यूज है। साथ में ना आपको इसके साथ एक अटैच इस तरह से अंदर पाउच मिल जाएगा। पाउच भी बहुत ज्यादा ह्यूज है, एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ह्यूज इसका पाउच है सी, और इतनी सॉफ्ट इसकी क्वालिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इसकी क्वालिटी है पूरे बैग की। तो ये बैग मुझे अच्छा लगा, मतलब मैं कैरी करती हूँ इस तरह के बड़े बड़े बैग्स तो मेरे लिए ठीक है। अगर आपको भी इस तरह के बैग्स पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक। सो ऑलराइट दोस्तों, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। पसंद आई होगी तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स मिल जाएंगे। सो ज़रूर मिंत्रा की सेल को मिस मत करना, जो पसंद आ रहा है उसको ले लेना। एंड मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय।